नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले बहुत ही ज्यादा विशेष टॉपिक पे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उससे पहले आप सभी से माफी चाहूंगा कि सुबह के वीडियोस किसी कारण से नहीं आ पा रहे थे। आप सभी को पता था कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है और ट्रैवल चल रहा था, तो इस कारण से मॉर्निंग की वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। अब फाइनली सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है और मॉर्निंग के वीडियोस भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद का एक टूर बाकी है फिलहाल के लिए, तो अहमदाबाद का टूर भी बहुत जल्दी प्लान करूंगा और आप सभी से अहमदाबाद में बहुत जल्दी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है। डेट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी कि अहमदाबाद में कब और कहाँ हम मिलेंगे, किस डेट को मिलेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। यहाँ पर कल थोड़ा सा समय मिला था टीवी देखने का और मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे कि मोदी जी ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट दिया है, कुछ बड़ा किया है। और जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक पिक्चर फ्लैश हुआ यहाँ पर कि मोदी जी ने मांगी किसानों से माफ़ी और कृषि कानून को लिया वापस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी। किसान इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। 2020 का साल इसमें निकल गया, 2020 की सर्दियां इसमें निकल गई, 2021 का पूरा साल इस संघर्ष में निकल गया और अब फाइनली वो पल आया जब मोदी जी ने ये अनाउंस किया और कृषि कानून को वापस लिया। यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, बट हम एस्ट्रोलॉजिकली उस बात पर रहेंगे जो बात हमने हर बार कही और बार बार कही। जब लास्ट टाइम किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, तब भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जीत जो होगी वो किसानों की ही होगी, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा बट किसानों के ही फेवर में सारी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। 2021 में भी मैंने थ्रू आउट द ईयर जब जब किसानों के ऊपर वीडियो बनाया तब तब यही स्टेटमेंट दिया कि अब यहाँ पर किसान आंदोलन में कुछ तो हलचल होगी, कुछ रास्ता निकलेगा, बातचीत होगी और फाइनली कहीं ना कहीं चीज़ें बनते हुए दिखेंगी और किसानों के फेवर में ही बनते हुए दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों पहले मोदी जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें भी मैंने कहा था कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट द PM is going to announce something, या देश के बड़े लीडर जो हैं वो कुछ अनाउंस यहाँ पर करेंगे और बहुत बड़ी न्यूज़ अनाउंस हो सकती है। एंड उसके बाद एनर्जी बूस्टर एक दिन पहले का जो वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। एवरी टाइम एक एक कैलकुलेशन यहाँ पर सही गई और एक एक चीज़ यहाँ पर हमने सामने के सामने होते हुए देखी। कोई छुपा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि पहले होने हो गया उसके बाद मैंने कोई कैलकुलेशन करके आपको बताया। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हर एक वीडियो मौजूद है यहाँ पर और आप जाके कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। किसान आंदोलन के ऊपर हमने बार बार यही कहा था कि किसानों की ही जीत होगी और यहाँ पर मोदी जी आज नहीं कल बट ये किसानों से हार नहीं सकते और जैसे ही शनि ने अपना काम किया वैसे ही यहाँ पर चीज़ें होने लग गई। जब शनि मार्गी हो रहे थे तब भी मैंने कहा था कि अब किसानों का समय अच्छा आने वाला है और अब किसानों के लिए चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अक्टूबर के महीने में भी मैंने ये वीडियो बना के आप सभी को कहा था और समय आप सभी के सामने है, चीज़ें आप सभी के सामने हैं और आने वाले समय में भी और बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं जिसके बारे में हम संडे के दिन लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट मैं देने वाला हूं जो कि घटनाएं बड़े लेवल पे होने वाली हैं। एक और बड़ी घटना यहाँ पर घटते हुए दिखाई दे रही है और उसके बारे में ज़रूर मैं आज थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करता हुआ आपको मिलूंगा। यहाँ पर मौसम बदल रहा है। मैं अभी जब ट्रैवल कर रहा था तो पूरी रात बारिश हो रही थी, अगले दिन सुबह 5 बजे वापस बारिश शुरू हुई और वापस अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी तक भी ये बारिश यहाँ पर चल रही है। थ्रू आउट द टाइम द रेन इज गोइंग ऑन। यहाँ पर आप देखिए कि मौसम बदल रहा है और आज नवंबर का महीना 20 तारीख का समय स्टिल 19 नवंबर के आसपास का समय और स्टिल यहाँ पर बारिश हो रही है जबकि सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ साथ बारिश भी हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को बाहर लेकर के जाना और ठिठुने वाली सर्दी जिसको हम कहते हैं कि लाइक शरीर ठिठुने लग जाता है। मैं जब वैष्णो देवी गया था तो कुछ वैसा माहौल मुझे अपने घर के बाहर भी अभी दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में मैंने पहले भी कहा था, अभी सर्दियों के ऊपर भी वीडियो बनाया मैंने, उसमें भी मैंने कहा था कि बारिश अभी आएगी, मौसम में चेंजेस दिखेंगे और सर्दियां बहुत कड़ाके वाली पड़ने वाली है। आप सभी से बार बार कह रहा हूं अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा सर्दियों में, इस बार की सर्दियां काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की होने वाली हैं। इस बार दोनों तरफ नॉर्थ में और साउथ में
बड़ी भयंकर यहाँ पर सर्दियाँ देखने को मिलने वाली हैं। एक तरफ पानी परेशान करेगा, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं परेशान करेंगी। नॉर्थ में जहां पर बर्फबारी तेज होने वाली है, बहुत जल्द होने वाला है, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस बात पे हमने पहले भी चर्चा करी है कि इस बार की सर्दियां बहुत खतरनाक होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी यहां पर होंगी। पूना में भयंकर बारिश चल रही है, बारिश रुक ही नहीं रही, कंटिन्यूअसली बारिश। मुंबई में बारिश चल रही है और राजस्थान में यहां पर बारिश हो रही है। यहां पर दिल्ली में बहुत जल्दी सर्दियां अपना और रुख कड़ा करने वाली हैं, बर्फबारी भी होते हुए दिखेगी आपको नॉर्थ इंडिया में और बर्फबारी बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहाँ पर नॉर्थ में बर्फबारी हो रही होगी वहीं पर साउथ में बारिश तेज़ हो रही होगी। साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर रहेगा यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही होगी, पानी बरस रहा होगा और देखिएगा यही चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। मैंने डेट भी बता रखा था कि 4 या 5 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा, स्पेशली 20th of November के बाद से ही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, बट 4 या 5 नवंबर के बाद जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसके बाद का जो समय रहेगा वहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा बदलने वाली हैं और वहाँ से तो सर्दियाँ अपना रुख बदलने वाली हैं। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में ठंड की एक लहर चलेगी, पूरे विश्व में हिमपात होता हुआ नज़र आएगा और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं परेशानियाँ होते हुए नज़र आएंगी। तो जी ये बारिश का जो ये जो ठंड का जो माहौल होने वाला है ये भी बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर लेकर के आ रहा है। इवन दो आने वाला समय चुनौतियों का ही समय है और इसमें ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात तो मैं बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि एनिमल्स के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला आने वाला है और 2021 का अंतिम दौर जो रहेगा वो एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उम्मीद करूँगा कि ज़्यादातर एनिमल्स बीमार ना पड़े और ज़्यादा एनिमल्स को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो और वो अच्छे से अपने जीवन को जो भी जैसे भी निकालें वो अच्छे से निकालने की कोशिश करें। आप सभी से भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई पशु कोई एनिमल बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर आप उसकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, खाना देके, पानी देके, उन्हें कोई कंबल उड़ा के या किसी भी तरह से, तो प्लीज़ मदद करने की कोशिश करिएगा, हिचकिचाइएगा बिल्कुल भी मत। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली हम सारी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को हर तरह से गाइडेंस दें और आप सभी को हर तरह की चीज़ में यहाँ पर पहले से ही बताने की कोशिश करूँ। और भी बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में और भी बहुत सारी घटनाएँ घटने वाली हैं आने वाले समय में, बट अब तक एस्ट्रोलॉजिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जितनी घटनाएँ मैंने बताई है वो सारी की सारी साक्षात आपके सामने हैं एंड उम्मीद करूँगा कि आप भी वैदिक शास्त्र पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करेंगे और आपको भी ये पता चलेगा कि इसमें कितनी ज़्यादा पावर है। आज भी ये ज्योतिष शास्त्र उस लेवल पर अपने रिजल्ट दे रहा है जिस लेवल पर किसी ने कल्पना तक भी नहीं करी। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी मैंने बताई हैं जो कि सोचना भी मुश्किल था बट वो घटनाएं होते हुए हमारे सामने दिखी हैं। और भी ऐसी घटनाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा संडे के दिन लाइव सेशन में, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, बहुत डीप कैलकुलेशन यहां पर बताने वाला हूं कि आने वाला समय कैसा जाने वाला है। उम्मीद करूंगा तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।